5 वेरी कॉमन मेकअप मिस्टेक्स जो कि हम सब लोग करते हैं. एक टाइम था कि मैंने भी वो गलतियां की हैं उसके बाद जब मैंने ट्रेनिंग ले ली. आई मीन व्हेन आई वाज डूइंग माय इमेज मैनेजमेंट तो हमें मेकअप की भी ट्रेनिंग दी गई थी. तो तब मुझे पता चला कि अरे हम इतना महंगा मेकअप खरीदते हैं या फिर बहुत सारी चीज़ें ले लेते हैं उसके बाद भी हमारा मेकअप परफेक्ट क्यों नहीं लगता. सो लेट्स गो अहेड. हेलो एवरीवन, मैं लता सबरवाल हूँ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल. फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपको मिलेगा फैशन, फूड, फिटनेस और लाइफ, लेकिन सब कुछ सिंप्लीफाइड. अच्छा, अगर आप इंटरेस्टेड है फूड, ट्रैवल और रेसिपीज के चैनल में तो हमारा दूसरा चैनल है और मेरे हस्बैंड संजीव जी का खाओ दोस्त संजीव सेठ, लिंक नीचे दिया है, आप उसे सब्सक्राइब कीजिए. तो सबसे पहली और सबसे कॉमन मेकअप मिस्टेक ये है कि जब कभी भी बाहर जाना होता है तो हम बड़े अच्छे से तैयार होते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छी सी लिपस्टिक लगाते हैं, काजल लगाते हैं, इनफैक्ट बाल भी अच्छे से बनाते हैं या किसी से कई बार बनवाते भी हैं, लेकिन हम फाउंडेशन नहीं लगाते हैं. मैंने ऐसा देखा है कि अभी भी आई से 80% वुमेन डू नॉट अप्लाई फाउंडेशन, क्योंकि बहुत अच्छे से सब तैयार हो जाएंगे, उन्हें कुछ डर लगता है या लगता है टाइम ज़्यादा लगेगा या लगता है वो कैरी नहीं कर पाएंगी. आई डोंट नो कौन सा रीज़न है, लेकिन फाउंडेशन नहीं लगाते हैं. और फाउंडेशन ना लगाने की वजह से चाहे आपने कितने भी अच्छे कपड़े पहने हो, लिपस्टिक लगाई हो महंगी से महंगी, आपने काजल लगाया हो, हेयर स्टाइल बनाई हो, कुछ भी किया हो, लेकिन फाउंडेशन ना लगाने से जो पूरा लुक है ना वो एकदम आउटस्टैंड नहीं करेगा. मतलब अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं कि बुरा लगेगा, लेकिन बड़ा ही नॉर्मल सा लगेगा. जो एक होता है ना कि वाओ, जो वाओ फैक्टर है ना वो मिसिंग हो जाता है अगर हम फाउंडेशन नहीं लगाते हैं. तो मेरा ये रिकमेंडेशन है, हाई रिकमेंडेशन है कि चाहे आप कोई बिल्कुल बेसिक फाउंडेशन ट्राई कीजिए, जैसे कि सीसी क्रीम हो गया, बिल्कुल बेसिक फाउंडेशन है, थिन फाउंडेशन है, बेबी क्रीम हो गई, बिल्कुल नेचुरल है, पॉकेट फ्रेंडली है, बड़े आराम से मिल जाती हैं, या फिर कोई भी दूसरे जो वाटर बेस्ड फाउंडेशंस हैं. मतलब अगर आप हैवी फाउंडेशंस और प्रोफेशनल मेकअप के लिए अगर नहीं जाना चाहते हैं तो जो बेसिक फाउंडेशन है ना उसमें ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए, ज़रूर लगाइए. मैंने अपने बहुत से वीडियोज़ में जो है नेचुरल मेकअप करके दिखाया हुआ है, जहाँ पर मैं मोस्टली जो है ना बेसिक फाउंडेशन ही यूज करती हूँ. और ऐसा नहीं है कि मेरे स्किन पे कुछ फ्रेकल्स मार्क्स नहीं है, मेरे भी हैं सब कुछ. ये तो आजकल कैमरे वगैरह अच्छे होते हैं तो इतना पता नहीं चलता है, और अभी मैंने मेकअप भी फुल किया हुआ है इसलिए भी पता नहीं चल रहा है. लेकिन आई हाईली रिकमेंड कि अगर आप आउटस्टैंड करना चाहते हैं तो प्लीज फाउंडेशन लगाइए, क्योंकि जब आपने इतना कुछ अच्छा अच्छा किया है तो एक फाउंडेशन मिसिंग क्यों रह जाए. सो फाउंडेशन इज अ मस्ट. दूसरी जो है वो मेकअप मिस्टेक कहूँ नहीं कहूँ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये टाइम के साथ जैसे जैसे मेकअप चेंज हुआ ना तो वो चीज़ बदल गई. पहले क्या होता था कि हमेशा हर लेडी के, हर लड़की के पर्स में आपको कॉम्पैक्ट पाउडर जो होता है ना, प्रेस्ड पाउडर, वो मिलता ही था. आज भी बहुत बिकते हैं, बहुत मिलते हैं, लेकिन ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है क्योंकि मैंने डिफरेंस देखा हुआ है ट्रांसल्यूसेंट पाउडर का, या जिसे लूज पाउडर भी कहते हैं, और कॉम्पैक्ट का. बिलीव मी, जो कॉम्पैक्ट से एक केकी सा हैवी सा लुक आ जाता है ना, वो ये जो लूज पाउडर्स हैं इनसे बिल्कुल भी नहीं आता है. तो ये एक चीज़ मैं सबसे बोलती हूँ, अब धीरे धीरे हमें त्यागनी पड़ेगी, तभी ये मार्केट से भी जाएगी, इसके कुछ और सब्सटीट्यूट्स आएंगे. हाँ, ऐसा है कि ये मेकअप करते टाइम किसी और चीज़ों में, मतलब कहीं और यूज़ होता है, बट पूरे फेस पे जो फाउंडेशन जो हम कॉम्पैक्ट लगा देते हैं ना वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है. एक तो बहुत ड्राई लुक देने लगता है, पाउडरी सा लुक आ जाता है, बड़ा केकी लुक आता है, और अगर छोटे मोटे हमारे कोई लाइन वाइन भी होती है, इनफैक्ट वो भी ज्यादा नजर आने लगती है, क्योंकि वो पाउडर उनमें जैसे घुसा जाता है चाहे कितना भी अच्छा कॉम्पैक्ट क्यों ना हो. सो प्लीज रिमूव दिस थिंग फ्रॉम योर वैनिटी बैग, अगर आपके पास है तो. मतलब रिमूव मत कीजिए, एक्चुअली मैं उसे यूज करती हूँ काजल फैलने से बचाने के लिए, मैंने ट्रिक्स बताए हुए हैं कहीं, वो उन सब चीज़ों में इस्तेमाल होता है, रख लीजिएगा, वेस्ट मत कीजिएगा कोई चीज़. लेकिन हाँ, प्लीज़ अगर ट्रांसल्यूसेंट पाउडर आपने कभी ट्राई नहीं किया है, लूज पाउडर जिसे कहते हैं, तो प्लीज़ ट्राई कीजिए. महंगा नहीं लेना है तो पॉकेट फ्रेंडली ले लीजिए, लैक्मे का आता है, मेबिलीन का आता है, बड़े पॉकेट फ्रेंडली हैं, बड़े बड़े डब्बे होते हैं, बहुत लंबे चलते हैं, काफ़ी टाइम चलते हैं. शुगर का आता है, बहुत अच्छा है, वाइट में आता है, स्किन टोन में भी आता है, तो वाइट वाला लेंगे तो और अच्छा है. ब्रश से लगाते हैं, मैं आगे किसी वीडियो में दिखाऊंगी, और पहले भी कई वीडियोज़ में दिखा चुकी हूँ. तो जो हमारे ऑयली पैचेस हैं और जगह है उस पर हल्का हल्का लगा दीजिए, और फाउंडेशन सेट करने के लिए भी ज़रूरी है, बट
दिस विल बिकम अ गेम चेंजर फॉर यू। थर्ड मिस्टेक, एक्चुअली ये मिस्टेक जो मेकअप की बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, ये सेकंड नंबर पे आनी चाहिए थी, सेकंड मिस्टेक होनी चाहिए थी क्योंकि फाउंडेशन से रिलेटेड है, लेकिन मुझसे गलती हो गई, मैंने थोड़ा आगे पीछे कर दिया। खैर, तो ये गलती हम लोग बहुत करते हैं, अक्सर करते हैं। क्या होता है कि फाउंडेशन का हम एग्जैक्ट कलर नहीं खरीदते हैं। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी किया हुआ है पूरा डिटेल कि हाउ टू चूज अ फाउंडेशन, मैं लिंक अटैच कर देती हूँ, आप लोग जरूर देखिएगा। तो ये हम फाउंडेशन का एग्जैक्ट शेड क्यों नहीं खरीदते हैं, इसलिए क्योंकि हमारी गलती नहीं है इसमें। जब हम जाते हैं तो सेल्स गर्ल जो होते हैं या सेल्स मैन जो होते हैं, मोस्टली हमें गोरा गोरा शेड दिखाने लगते हैं। अरे ये लगाइए, फेयर दिखेगा, अच्छा दिखेगा। अरे नहीं बाबा, हमें गोरा नहीं दिखना है। गोरा दिखना, मैं हमेशा कहती हूँ, कोई खूबसूरती की परिभाषा नहीं है। हमें जो स्किन टोन भगवान ने दिया हुआ है, ऊपर वाले ने दिया है, वही बेस्ट स्किन टोन है। हमें क्या करना है, जो छोटे छोटे वेरिएशंस है ना स्किन में, फ्लॉज हैं, उन्हें छुपाना है। जैसे अंडर आइज डार्क सर्कल छुपाने हैं, कुछ मार्क्स हैं उन्हें छुपाना है, बस यही करना है हमको। तो क्या हो जाता है कि जब तक हम एग्जैक्ट स्किन टोन का फाउंडेशन नहीं खरीदते हैं, तब तक जो है वो मार्क्स और सारे छुपते नहीं हैं, स्मूद नहीं होते हैं। तो बेसिकली हमें स्किन को स्मूद दिखाना है, तो उसके लिए जब तक हम एग्जैक्ट स्किन टोन का फाउंडेशन नहीं लेंगे, स्मूद नहीं होगी। इसलिए प्लीज़ प्लीज़ उनकी बातों में मत आइएगा, गोरा वाला जो फाउंडेशन है वो मत लीजिएगा, एग्जैक्ट आपकी स्किन टोन का लीजिएगा। और डिटेल अगर आप इसके ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक लगा दिया। सो फोर्थ वेरी कॉमन मेकअप मिस्टेक इज कि अगर हम ये लॉन्ग आवर्स के लिए जब हम जा रहे हैं मेकअप करके, उसकी बात है ये। अगर हम थोड़ी देर के लिए जा रहे हैं, दो घंटे के लिए, तब कोई बात नहीं है। अगर हम ऑफिस के लिए जा रहे हैं रेडी होके सुबह लिपस्टिक वगैरह लगा के, या फिर हम कहीं ऐसी पार्टी या फंक्शन में जा रहे हैं, किसी के घर जा रहे हैं तैयार होके, जहाँ पे हमें पूरा दिन लग जाएगा, मतलब 5-6 घंटे या 7-8 घंटे लग जाएंगे, तो हम क्या करते हैं कि हमारी जब लिपस्टिक खराब होती है ना खाना खाने के बाद, तो उसी के ऊपर जल्दी जल्दी लेके जो है ऐसे करके लिपस्टिक जाके वॉशरूम में लगा लेते हैं चुपचाप, जो कि बिल्कुल बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, एक प्रोसेस होता है जो कि हमें मस्ट है करना, उसमें 1 मिनट से ऊपर नहीं लगता है। चाहे आप ऑफिस में काम कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, कर सकते हैं। हमें अपनी पूरी लिपस्टिक को रिफ्रेश करना होता है, तो क्या करना है उसके लिए, हम कोई भी पेट्रोलियम जेली, वैसलीन, लिप बाम कुछ भी अपने साथ कैरी करें। ये मेरा तरीका है जो मुझे लगता है इजी, बस उसे मैं लिप्स पे, सपोज मैंने सुबह से जैसे अगर मेकअप किया या 12 बजे से किया, लंच के बाद मुझे रिटच करना है, तो मैं उसी के ऊपर नहीं लगाऊंगी। उसके ऊपर मैं सबसे पहले वैसलीन से रब करूंगी, और फिर उसको जो है अपना टिश्यू पेपर लेके या हैंडकरचीफ अगर है वो गीला करके कुछ अच्छे से पोंछ दूंगी, उसके ऊपर फ्रेश लिपस्टिक लगाऊंगी। इसके ऊपर मैंने शॉर्ट भी बनाया, एक्चुअली पता नहीं उसके बहुत बहुत मिलियन व्यूज हो चुके हैं, आई डोंट इवन रिमेंबर हाउ मेनी मिलियंस, बहुत मिलियन हुए हैं। लेकिन तो ये जो प्रोसेस है ना कि पहले लिप बाम लगाना है या पेट्रोलियम जेली लगानी है, उसके बाद टिश्यू से पोंछना है, फ्रेश लिपस्टिक लगानी है, दिस अगेन मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस टू योर लिप्स। और क्या होता है, मुझे एक लेयर सी बन जाती है ना, एक लाइन सी आने लगती है लिप्स पे, लिपस्टिक भी अनइवन सी लगती है, अगर दोबारा लगाओ तो फैली फैली हो जाती है, वो सब बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी लिपस्टिक को जो है फ्रेश रखें। क्यों? क्योंकि हम लेडीज की, हम गर्ल्स की सबसे फेवरेट चीज होती है लिपस्टिक। दिस इज व्हाट आई फील। एक्चुअली मैं 5 जो है मिस्टेक शूट करने बैठी थी, लेकिन 6 हो गई हैं अब, क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ और पॉइंट आ गया जो कि मैं अभी आगे चल के बताऊंगी। एंड आपसे एक बार कह दूं कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, एंजॉय कर रहे हैं, यूजफुल लग रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कीजिए। कह दिया ना सब कुछ, हो गया। नहीं, एक चीज़ रह गई है, अगर आप मेरे साथ एक्सरसाइज करना चाहते हैं, मतलब मेरे और मेरे ट्रेनर के साथ, तो आप मेरी व्हाट्सएप में थाली टुडे रोज देखते रहिए, उसी में अनाउंसमेंट होती है। हमारा 4th बैच जो है वो शुरू हो चुका है अभी, बाय गॉड्स ग्रेस, और जस्ट 590 रुपीज़ होते हैं पूरे महीने के लिए। तो हमारी 5th मिस्टेक है, अब एक और 6th भी ऐड हो चुकी है उसके बाद, इसलिए प्लीज़ उसे भी सुन के जाइएगा। तो हमारी जो 5th मिस्टेक है वो ये है कि अगेन थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए, प्लीज़ कीजिएगा। हम पूरा मेकअप जब अच्छे से करते हैं, कई लोग पूरा मेकअप करते हैं लेकिन मस्कारा जो है वो बायपास कर देते हैं, क्योंकि वो शायद डरते हैं लगाने से, या लगता है फैल जाएगा, या मुश्किल है, या ज़रूरत नहीं है, काजल तो लगा लिया, वट एवर द रीजन्स आर। लेकिन मस्कारा, आप सोचिए, हमारी आँखें जो है ना, उनका एक तरीके से विंडो जैसे होते हैं ना ये लैशेज़,
ये विंडोज जैसे हैं और फ्रेम बनाते हैं पूरा हमारी आंखों का। तो लैशेस के तो हमें बहुत मतलब ध्यान देना चाहिए, लंबी लैशेस वैसे भी सबको अच्छी लगती हैं, तो क्यों नहीं हम मस्कारा लगाना शुरू करें। थोड़ा थोड़ा शुरू कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए स्लोली स्लोली लगाने की, आराम से हो जाएगा। वाटरप्रूफ लगाइए, ये मेरा हाई रिकमेंडेशन है, क्योंकि अगर बारिश है, स्वेट है, कुछ भी है तो वो निकलेगा नहीं। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, मस्कारा लगाने की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए, बिकॉज जब आप लगाने लगेंगे ना तब देखिएगा एक आंख और दूसरी आंख का फर्क कितना नजर आता है। सो गेट इनटू द प्रैक्टिस ऑफ वेयरिंग मस्कारा। सिक्स्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि हमें बहुत सारा मेकअप नहीं खरीदना है। हमें जब हम मेकअप स्टोर में जाते हैं खरीदने के लिए, कैरिड अवे नहीं होना है, हमें उनकी बात में भी नहीं आना है कि ये भी ले लो वो भी ले लो। हमें पहले अपना देखना है, हम क्या बिगिनर हैं मेकअप में, तो हमें बिल्कुल बेसिक मेकअप चाहिए। हमारी ज़रूरत कितनी है मेकअप की, हम कहाँ लगा के जाने वाले हैं, ये भी चीज़ देखनी है, क्योंकि मेकअप प्रोडक्ट्स जो हैं थोड़े टाइम बाद एक्सपायर हो जाते हैं, फिर मार्केट में नए नए प्रोडक्ट्स भी आते हैं। हाँ, एक आध चीज़ जो है अगर आपने ले ली ट्राई करने के लिए नई, दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन, फिर आपको उस चीज़ की आदत होगी तो दूसरी नई चीज़ ले ली, वो भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन इकट्ठा इतना सारा मेकअप ले लेना जो कि हम यूज़ नहीं करने वाले, इधर उधर बांटते फिरेंगे बाद में, दैट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। और डेफिनेटली बहुत सारे पैसे भी उसमें इन्वेस्ट हो जाते हैं अगर हम अच्छे ब्रांड्स का ले रहे हैं, तो प्लीज़ पैसे भी बचाइए और अपनी ज़रूरत देखिए सबसे पहले कि क्या ज़रूरत है, क्या नई चीज़ ट्राई करनी है। फाउंडेशन फर्स्ट टाइम लगा रहे हैं, अच्छा ठीक है तो मैं छोटी वाली ट्यूब बिल्कुल ले लूँगी। मस्कारा भी नया नया ट्राई कर रहे हैं, अच्छा ठीक है तो मैं पॉकेट फ्रेंडली मस्कारा ले लूँगी। ये चीज़ें जो है ना सब ध्यान में रखिए, बेसिक प्रोडक्ट्स खरीदिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस डेफिनेटली मेक्स परफेक्ट। तो प्रैक्टिस कीजिए और खेल के उठिए मेकअप के बाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।